और एक और बड़ा अपडेट, डेनमार्क का फायर अलार्म सिस्टम बंद पड़ा है। जी हां, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, डेनमार्क से लंदन स्टॉक एक्सचेंज के काम पर भी इस संकट का असर नजर आ रहा है। सीधे चलेंगे करुणा के पास। करुणा, व्हाट यू? बिल्कुल, देखिए डेनमार्क का फायर अलार्म सिस्टम हो, लंदन का स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर फ्लाइट ऑपरेशंस, मनीष सब कुछ यहां पर ठप पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़े पैमाने पर इसका असर हुआ है, लेकिन अब सवाल यह कि इसके पीछे रीजन क्या है? आपके पास कुछ इनपुट्स आ रहे, कोई मालफेयर है, कोई सबोटाज हुआ है, कोई सेंधमारी हुई, कोई साइबर अटैक हुआ है, क्या हुआ ये? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया ऑनलाइन हो रही हो, सब कुछ डेटा और सब कुछ ऑनलाइन किया जा रहा हो, वहीं पर जो कुछ ऐसे संगठन हैं जो लगातार इसके विरोध में हैं, जिनका कहना है कि सब कुछ ऑनलाइन नहीं किया जाना चाहिए, उन गुटों में काफी हलचल देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी एजेंसीज का मानना है कि हो सकता है कि इसके पीछे एक इस तरह का भी मेजर साइबर अटैक किया गया हो, ताकि माइक्रोसॉफ्ट को निशाना बनाया गया, जिसके जरिए जैसे अभी देखिए खबर आ रही है कि ब्रिटिश रेलवेज भी इससे प्रभावित हो रही है। ब्रिटिश का जो रेलवे सिस्टम है वो भी चुकी ऑनलाइन है। देखिए आज की तारीख में बहुत कम करुणा ऐसी सर्विसेज है, ना केवल एयरलाइंस ही नहीं, बैंक ही नहीं, रेलवे और घर में अभी अभी खबर आ रही है कि डेनमार्क में जो फायर अलार्म सिस्टम है वो ठप पड़ गया, काम नहीं कर रहा है। हम और आप जब बात कर रहे हैं, तमाम जो सिक्योरिटी कंसर्न वो सब भी तो आखिर ऑनलाइन ही आ रहा है। तो हम सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे संगठन है जो बहुत सीरियसली दुनिया भर में इसका विरोध करते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन ना हो। तो सुरक्षा एजेंसियों को लग रहा है कि कहीं कोई मेजर साइबर अटैक उनकी तरफ से तो नहीं किया जा रहा है, ताकि यह चेतावनी देने के लिए पूरी दुनिया की सरकारों को कि अगर आप सब कुछ ऑनलाइन करते हैं तो किसी एक दिन किसी इस तरह के एक अटैक से कैसे पूरी बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट से सामने आ रही है, जहां पर ऑनलाइन सेवाएं बाधित हुई है, ठप हुई है। लोगों को इसके बाद मैनुअल टिकट सौंपी जा रही है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग और चेक इन दोनों ही नहीं हो पा रहे हैं, हाथ से लिखकर टिकट लोगों को दी जा रही है दिल्ली एयरपोर्ट पर। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में दिक्कत आई है उसका असर एयरपोर्ट पर नजर आ रहा है। देखिए एक टिकट आपके सामने, किस तरीके से अब यात्रियों को हाथ से लिखकर टिकट दी जा रही है, और इसको लेकर बाकायदा इंडिगो की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई थी, जहां यात्रियों को बताया गया था कि अब स्लो चेक इन का सामना उन्हें करना पड़ सकता है क्योंकि सर्वर में दिक्कत आई है। ऐसी एक टिकट आपके सामने है कि किस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो के एक यात्री को हैंड रिटन टिकट सौंपा गया है। मनीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी इस पर दे सकते हैं। मनीष, इसी तरीके से टिकट अभी भी दी जा रही है क्योंकि ये समस्या अभी भी सुलझाई नहीं जा सकी है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर एक टिकट देख रहे हैं, हालांकि ये एक निजी टिकट है, लेकिन अक्षय भाई का शुक्रिया कि उन्होंने ये बात सबके सामने रखी। और देखिए कि इस वक्त वो एक मैनुअल टिकट किस तरह से इंडिगो एयरलाइंस ने इशू किया। ये पैसेंजर हैदराबाद से कोलकाता जा रहे थे जब उन्हें इंडिगो एयरलाइंस ने ये टिकट इशू किया था, जिसे हम इस वक्त दिखा रहे हैं। और इस तरह की समस्या इस वक्त, चूंकि ये एक मेजर प्रॉब्लम है, ना केवल भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक समस्या है, एक ऐसी समस्या जिसकी वजह से इमरजेंसी सर्विसेज अमेरिका में 911 काम नहीं कर रहा है, यानी कि पुलिस को, मेडिकल सर्विस को अमेरिका में अप्रोच नहीं किया जा सकता है। एयरलाइंस ठप पड़े हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में फ्लाइट के उड़ान को रद्द कर दिया गया है। अब ब्रिटेन में अगर देखें तो ब्रिटेन में न्यूज चैनल को बंद करना पड़ा। जी, जी। ब्रिटेन में मनीष एक और बड़ी खबर आ रही है, मैंने स्टूडियो पर मनीष एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ब्रिटेन से, ब्रिटिश रेलवे जो है उसकी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। ये थोड़ी देर पहले खबर आई थी, अब जानकारी मिल रही है कि रेल सेवाएं बंद हो गई हैं। ब्रिटिश रेलवे ने रेल सेवाएं बंद कर दी हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का असर किस पैमाने पर पड़ा है पूरी दुनिया पर। दुनिया भर में जो तमाम बड़े कामकाज हैं वो ठप होते नजर आ रहे हैं। ब्रिटिश रेलवे ने अपनी सभी सेवाएं बंद कर दी। और देखिए मनीष, आप बता ही रहे थे कि किस तरह से फ्लाइट ऑपरेशंस नहीं, फायर सर्विस नहीं, बल्कि जो ब्रिटिश रेलवे है वो भी पूरी तरह से ठप होती नजर आ रही है। कितना बड़ा संकट आपको लग रहा है ये बनता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, आप देखिए कि ब्रिटेन में रेलवे बंद है, अमेरिका में एयरलाइंस बंद है, और न केवल अमेरिका में बल्कि भारत के भी तमाम एयरपोर्ट के, तमाम एयरलाइंस की सेवाओं में दिक्कत आ रही है। कुछ लोग मैनुअल अभी टिकट इशू कर रहे हैं, मैनुअल इस वक्त लैंडिंग और टेक ऑफ किया जा रहा है, लेकिन ये केवल एयरलाइंस का मसला नहीं है। एयरलाइंस के अलावा आप देखिए कई दुनिया के कई देशों में फायर अलार्म जैसे सिस्टम काम नहीं कर रहे, डेनमार्क का जिक्र किया, रेलवे नहीं काम कर रहा, और इसके अलावा दुनिया के बहुत, ये संकट बड़ा हो रहा है मनीष। जी हाँ, बड़ा हो रहा है, और इसका असर अब मेट्रो सर्विसेज पर पड़ेंगे। देखिए दुनिया भर की जो मेट्रो सर्विसेज है वो काम करना बंद कर देगी। बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, एयरलाइंस, मेट्रो, रेलवे, फायर सिस्टम,
इमरजेंसी सिस्टम, ये तमाम जो चीजें ऑनलाइन काम करती है वो सब प्रभावित हो रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब सुरक्षा एजेंसियां सोच रही है कि माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्विस में ये दिक्कत। और अगर अतिशोक्ति ना हो मनीष, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कोई इसके पीछे साजिशन है तो सब कुछ ठप कर दिया दुनिया भर में। देखिए, अगर इसके लिए करने की कोशिश शब्द निकाला जाए तो ये एक तरह का तकनीकी विश्व युद्ध है। यानी कि तकनीक पर आधारित जो पूरी दुनिया काम कर रही है वो अचानक से उस पर स्टॉप बटन लग गया, पॉज बटन लग गया, बिल्कुल आगे कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरह का, अगर आप कहें तो वर्ल्ड वॉर है, लेकिन ये टेक्निकल वर्ल्ड वॉर है जहां में पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है। कोई सर्विसेज बचा नहीं, कोई देश का कोना, दुनिया का कोना कोना इससे बचा हुआ नहीं है अभी तक। जी, तो देखिए इस वक्त आपको हम ये तस्वीर, बिल्कुल समीर बिल्कुल, और हमारे सहयोगी पीयूष पांडे भी इस वक्त मौजूद हैं। पीयूष, लगातार आपके पास भी इंफॉर्मेशन आ रही है, दिल्ली एयरपोर्ट पर तो सारी ऑनलाइन सेवाएं ठप हो गई हैं, यानी ये जो दिक्कत है, ये जो आउटेज है, ये अपना दायरा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली से लेकर ब्रिटेन तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर दुबई तक। क्या और इंफॉर्मेशन मिल पा रही है, क्या इस वक्त हो रहा है इस दिक्कत को ठीक करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के बयान के अलावा और कोई जानकारी? देखिए, अहम बात यह है कि जो माइक्रोसॉफ्ट 365 है उसका यूज़ बड़े पैमाने पर किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि करीब 4.25 अरब जो सिस्टम्स हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है, और अधिकतर ये कंपनियां यूज़ करती हैं, एयरलाइंस कंपनियां हों, मीडिया कंपनियां हों, या फिर स्टॉक एक्सचेंज हो, जहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है वहाँ पर सेवाएँ प्रभावित हो रही हैं। और यही वजह है कि भारत के दिल्ली के एयरपोर्ट में भी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हालांकि हमारे पास ऑप्शन ये है कि मैन्युअली हम इस मामले को सुलझा सकते हैं, और या फिर फिलहाल सेवाएं जो है जारी रख सकते हैं। कोई भी विलंब जो है उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि सिस्टम प्रभावित हो गया है, और ऐसे में मैनुअल काम किया जा रहा है।